गोरखपुर जिले में रविवार को कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या महीनों बाद यानी 2021 में पहली बार 100 के आंकड़े को पार कर लिया है और 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 60 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 15, गोरखनाथ में 10, कोतवाली में 14, तिवारीपुर में 5 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 16, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 39 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 18, खुराबार में 5, सरदार नगर में 4, पिपराइज में 3, कौड़ीराम में 2, उरवा, ब्रह्मपुर, कैंपियरगंज, भटहट, खजनी, गगहा और बड़हलगंज थाना क्षेत्र में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 22,115 हो गई है। इनमें 368 की मौत हो चुकी है, 21,222 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 525 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।